हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, इजी और हेल्दी मूंग मसूर दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यहां पर मैंने आधा कप मूंग दाल लिया है और आधा कप मसूर की दाल। दाल को अच्छे से धो लिया है। अब इस दाल के अंदर मैं ये जो 3 से 4 लहसुन की कलियां डाल दूंगी, इसको मैंने ऐसे चाकू से स्लाइस कर लिया है। लहसुन की कलियां डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और एक छोटे टमाटर को ऐसे ऐसे टुकड़े में काट के दाल के अंदर डाल दूंगी। और अब इसमें 1.5 कप पानी डाल दूंगी, 1 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब लिड लगा दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 सीटी तक हम पकने देंगे। तो अब बारी आती है मूंग मसूर की दाल को तड़का लगाने की। उसमें मैंने जीरा, लहसुन और मिर्ची का तड़का लगाऊंगी, तो पहले इन दोनों को चॉप कर लेती हूँ। कुकर का पूरा प्रेशर निकल जाने के बाद दाल चेक करेंगे। तो अब दाल को तड़का लगाने की बारी आती है। पैन गरम करेंगे। पैन गरम करने के बाद मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालूंगी, 2 छोटी चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जब जीरा चटकने लगे तो अब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई लहसुन, और लहसुन को हमें गोल्डन करना है, ज्यादा जलाना नहीं है। जीरा और लहसुन के तड़के में बहुत ही अच्छी अभी खुशबू आने लगी है, तो जैसे ही हमारा लहसुन थोड़ा गोल्डन हो जाए इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। बस थोड़ा सा इसे और फ्राई करेंगे। बस हमारा जीरा, लहसुन और मिर्ची का तड़का रेडी है। अब हम इस तड़के को दाल में डाल देंगे। तो दाल जैसे कि हमारी गाढ़ी है, तो इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। बस इसे हाई फ्लेम पर हम 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि एक उबाला आ जाए। और अगर आपको दाल जो थोड़ी और पतली चाहिए तो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। तो दाल में उबाला आ गया है, मैं गैस बंद कर दूंगी। तो जीरा, लहसुन और हरी मिर्ची का तड़का लगा के ये मूंग मसूर की दाल बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और इसे एंड में हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। और इस दाल को गर्मा गर्म चावल के साथ खाकर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। दुनिया की चाहे कोई भी महंगी से महंगी या कितने भी मसाले वाली डिश हो, लेकिन दाल चावल का मुकाबला कोई भी डिश नहीं कर सकती, ऐसा मेरा मानना है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं फ्रेंड्स? अपने फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आपकी कुछ भी सजेशन है कि मैं कैसे अपने वीडियो को इम्प्रूव करूँ, तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।